अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये मैं मिनी व्लॉग बना रहा हूँ और ये इस पर है क्योंकि मैं पहली दफ़ा सियालकोट एयरपोर्ट पे आया हूँ। तो तकरीबन टाइम तो जितना रावलपिंडी जाने में लगता तकरीबन उससे आधा घंटा कम कर लें, और क्योंकि रोड की वजह से, रोड इतनी भी ख़राब नहीं है लेकिन थोड़ी सी है। और अभी सियालकोट एयरपोर्ट पर ही खड़े साथ एडवोकेट साहब को लेके आए हैं, और एक और जो हैं हमारे बड़े एडवोकेट उनको बिठाया अभी, वो अंदर हुए हैं तो अब सामान का वेट कर रहे हैं कि कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू हुआ तो हम हमें सामान लेना कलेक्ट करना पड़ेगा, वरना वो पीछे देख सकते हैं आप, वहाँ से एंट्री हो रही है, ठीक है, जहाँ पे वो स्टिकर लगा कि एंट्री ऑन फेक और एक्सपायर टिकट इज़ पनिशेबल ऑफेंस। उसके बाद आपको ज़रा पार्किंग भी अच्छी है, बहुत बड़ी है पार्किंग, ठीक है। अभी आज के दिन इतना रश नहीं है उस तरह दिन के टाइम खास तौर पे, बट ये है कि है कुछ लोग उम्रे वाले भी आए हैं उम्रे वालों को अटेंड करने। हम बस अभी 10 मिनट हुए हैं तो आते साथ बस वेट कर रहे हैं कि आगे से हमें अंदर से ओके की कॉल आए तो फिर हम वापस जाएँगे। तो बाकी सब जो है क्या उसे बोलते हैं ठीक चल रहा है। तकरीबन हम 10 बजे निकले हैं और 1:45 यहाँ पर पहुँचे हैं। और यू वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस और नॉट? अस्सलाम वालेकुम, आप भी बस कैसे हैं? आप ठीक हैं? बस इतने काफ़ी हैं यार व्यूवर्स के लिए, बता दिया आप थोड़ा सा क्या बोले व्यूवर्स, तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। और एयरपोर्ट से ही आया मेरे साथ, बहुत अच्छा व्यू था हमारा, बहुत अच्छा सफ़र था, और इंशाल्लाह ठीक है। ओके, तो कुछ लोगों को होता है कैमरा फोबिया ना, तो अभी मामू ऐसे बहुत ऊंचा बोलते हैं, बट कैमरा के सामने इतना ऊंचा नहीं बोल रहे, या तो क्यों है ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं, क्वालिटीज खड़खड़ हो रही है। अभी मैं बाकी सीन दिखाता हूँ आपको। ये कौन सा दरिया है? रावी या रावी है बाकी? यस, छोटा है जला जलम से है ना? नहीं, ये जितने बड़े रड़े ने सारे दरिया ही ना। अच्छा, कद ना दरिया बस आ इधर का ला चाड़ा में, बल्कि 1.5 किलोमीटर ना, ये लगता बंद पे है मेरे ख्याल है, पुल शुरू बहुत पानी आता है, बहुत पानी आता है। एएसएफ वाले खड़े हैं। ओके जी, अभी सियालकोट एयरपोर्ट से बिल्कुल जो आओ एग्ज़िट वाला गेट है वहाँ पे हम आ चुके हैं, निकलने लगे हैं यहाँ से। तो बस और मामू जी हैं जो हम माल्टा खा रहे हैं, ऑरेंज इंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी आई विल आल्सो ट्राई इट। चलो जी, ओहो अच्छा, अब किधर जाना था मामू, रास्ता पता? उधर से जाना है ना, नहीं चौक से हम एंटर हुए थे, वो चौक उधर नहीं है? ठीक है भाइयों, रास्ते में आपको दिखाता जाऊँगा सीन छीन, बाकी इंशाल्लाह जाके घर मुलाकात होती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता मेरे भाई, तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करनी होगी।
ओके गाइस, तो अभी असर के टाइम एयरपोर्ट से वापस आया हूँ और धूप काफ़ी अच्छी है। दिन को आज पूरा दिन अच्छी धूप रही है और बस अभी यार थक गया हूँ काफ़ी और मुझे लग रहा है कि बुखार भी हो जाना है, लेकिन देख लेते हैं क्या होता है। हो जाएगा वैसे, आई थिंक सो। ओ भाई साहब, ये बिल्ली क्या लेने आई है इधर? हेलो, ओ मिस्टर, यार ये पता नहीं चुप किया उधर जाड़ी। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हे, व्हाट आर यू डूइंग?